ये एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी हो सकती थी जो उस वक्त देश की सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष था, और पार्टी की सत्ता पर पकड़ कैसी, यूं समझिए कि अभूतपूर्व शब्द ऐसी ही स्थितियों के लिए गढ़ा गया था। क्या नेहरू, क्या इंदिरा, ऐसा बहुमत किसी को नहीं मिला था। ये कहानी उन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहू जी की भी हो सकती थी, जिनकी सियासी गलियारों में, जिनकी सत्ता के, जिनकी महत्वाकांक्षा के खूब चर्चे हुआ करते थे। उन दिनों दो बहू जी का दिल्ली के दरबार में खूब जिक्र था। लेकिन ये कहानी उन दोनों की नहीं है, हालांकि वो इसमें एक किरदार हैं, आते हैं और जाते हैं। ये कहानी तो उस बुजुर्ग नेता की देहरी पर बैठे और चाय सुड़क रहे एक प्रौढ़ नेता की है, जिसने सियासत के सबसे ऊंचे पायदानों के साथ काम किया था, उन पर खड़े लोगों के साथ, जो पार्टी में और सरकार में लगभग नंबर दो की हैसियत में था, लेकिन फिलवक्त कुछ बरसों से जैसे उसकी चाय ठंडी हो रही थी, वैसे ही उसके सियासी अरमान ठंडे हो रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से हैं, जहां आज बात होगी प्रणव मुखर्जी की। आज बात होगी उस सूचना की जो चाय पी रहे प्रणव मुखर्जी को दी गई, एक वाक्य की सूचना, दादा आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। प्रणव मुखर्जी इस वाक्य के बारे में अपने संस्मरणों की किताब में लिखते हैं। 3 खंड आ चुके हैं, चौथा आना बाकी है। इस संस्मरण के खंड का नाम है द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, यानी कि 1980 से 1996। इस मामले पर उन्होंने विस्तार से लिखा। वो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब फ्लाइट में राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद की स्थिति के बारे में पूछा, तो मैंने 64 और 66 का वाकया बताया। मैंने बताया कि नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। बाद में कांग्रेस संसदीय दल की औपचारिक बैठक बुलाई गई, नेता का चुनाव हुआ। फ्लाइट में मौजूद सभी नेताओं से बातचीत के बाद ये तय किया गया कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। खुद प्रणव मुखर्जी ने जब राजीव से पीएम बनने को कहा तो उन्होंने पूछा, आपको क्या लगता है मैं ये मैनेज कर पाऊंगा? और इस पर बकौल प्रणव, मैंने उनसे कहा कि हाँ, हम सब आपके साथ हैं। प्रणव कहते हैं कि मैंने राजीव से कहा कि वो तत्काल दिल्ली एक सूचना भेजें कि इंदिरा गांधी के निधन की खबर, इसका ऐलान ना किया जाए, ये खबर अभी ना दी जाए सार्वजनिक रूप से सरकारी स्रोतों से। हम सब ने ये निर्णय लिया कि इंदिरा के निधन की खबर के साथ ही राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की खबर भी दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली पहुंचते हैं राजीव, और शाम को कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। सब सदस्य इसमें नहीं होते हैं, 5 में से 2 सदस्य होते हैं जो दिल्ली में मौजूद थे, पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। उन्होंने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से सिफारिश की कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। ज्ञानी जी इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत थे, वो एयरपोर्ट से सीधे एम्स पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने ये बात कही थी। शाम को 6 बजे राजीव गांधी शपथ लेते हैं। पहले बात होती है कि अकेले शपथ लेंगे, फिर बात होती है कि 2 सीनियर मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, जिनके नाम थे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। लेकिन ऐन वक्त पर राजीव इसमें 2 नाम और जुड़वाते हैं, पी शिवशंकर और बूटा सिंह, इन चारों के साथ शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद राजीव गांधी दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, और इसी में इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक सूचना दी जाती है। हालांकि लोगों को पहले ही पता था, उस दिन फैसलाबाद में पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट मैच चल रहा था। इस मैच को इंदिरा गांधी की हत्या की खबर मिलने के बाद रोका गया। रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री टीम ने ये खबर ऑन एयर कही थी। इसके कुछ ही देर बाद बीबीसी ने भी इसका ऐलान कर दिया था। कहते हैं कि बीबीसी के ऐलान को सुनकर ही राजीव को पता चला था जब वो फ्लाइट में थे। अब हम बात करते हैं इस पूरे वाक्य की पॉलिटिकल टाइमिंग की। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस समय 7वीं लोकसभा 4 साल 9 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर थे, लेकिन ये चुनाव बकौल आडवाणी जी शोक सभा के चुनाव हो गए लोकसभा के चुनाव के बजाय। सहानुभूति लहर चली, 400 से भी ज्यादा सीटें।
चुनाव के नतीजे आए, राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, कई वरिष्ठों को जगह मिली, एक को नहीं मिली, वो एक जो इंतजार कर रहा था राष्ट्रपति भवन से आने वाले फोन का, वो एक जो इंतजार कर रहा था कि उसको कौन सा प्रभार दिया जाएगा, वो एक जिसका नाम था प्रणब मुखर्जी। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों का मानना है कि राजीव के दोस्त और रिश्तेदार अरुण नेहरू, जो उस वक्त काफी प्रभावशाली थे, उन्होंने राजीव गांधी को प्रणब दा के खिलाफ भड़काया था। अरुण नेहरू ने कथित तौर पर राजीव से कहा था कि प्रणब मुखर्जी एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में साफ लिखा है कि प्रणब मुखर्जी के बारे में ये एक बहुत तेज और मजबूत अफवाह थी जिसमें कोई दम नहीं था सत्य और तथ्य की बात करें। कई लोगों ने जो सियासत पर नजर रखते हैं ये भी कहा कि प्रणब मुखर्जी को कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों का दोस्त माना जाता था और इसको भी उनकी एक बुराई के तौर पर प्रचारित किया गया। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, मंत्री पद नहीं मिला और राजीव और प्रणव की दूरियां क्रमशः बढ़ने लगी। प्रणव को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कल तक वो सत्ता की सब गतिविधियों के केंद्र के इर्द गिर्द होते थे और आज आलम यह है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं, उसके साथियों से मिलते हैं, कोई उनसे बात करने को राजी नहीं। सबको एक डर सा लगा रहता है कि कहीं प्रणव से बात करते हुए मैं किसी को नजर ना आ जाऊं और आला कमान तक खबर ना पहुंच जाए। एक और व्यक्ति थे उन दिनों जो राजीव से अनमने रहा करते थे, वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, इंदिरा के खासे करीबी रहे, कद्दावर मंत्री रहे और उन दिनों कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी। ये 27 अप्रैल 1986 की बात है। प्रणब मुखर्जी कमलापति त्रिपाठी के बंगले पर उनके साथ बैठे चाय पी रहे थे। तभी कमलापति की बहू चंदा बाहर आती है और बताती है, प्रणव दा, अभी अभी आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर प्रणब मुखर्जी चौंक जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे या शायद उन्हें इल्हाम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि इसकी वजह प्रणब मुखर्जी का वो लंबा और विस्फोटक इंटरव्यू है जो इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा। प्रणव का ये कहना है, जब इंटरव्यू में पिन पॉइंट सवाल पूछे गए कि किसका कार्यकाल बेहतर था और तुलना मुझे नेहरू, इंदिरा और राजीव की करनी है, तो मैं अपने मन की बात कहूँगा, जो सत्य है वो कहूँगा, फिर उसकी कोई व्याख्या चाहे जैसे करे। प्रणव की एक चिंता और थी। 1987 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बगावत कर ली। हालांकि इस बगावत के कोई मायने रह नहीं गए थे क्योंकि उन्हें पार्टी से पहले ही निकाल दिया गया था। प्रणव मुखर्जी ने, दिल्ली की सियासत करने वाले प्रणव मुखर्जी ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस इंदिरा। प्रणव की पार्टी ने आसन्न बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के बैनर तले कैंडिडेट्स को उतारा, बुरी तरह हारे बहुत प्रचार के बावजूद। 1987 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और तब उन्हें कई दशकों के बाद लुटियंस दिल्ली का सरकारी बंगला छोड़कर एक निजी आवास में, अपने आवास में, ग्रेटर कैलाश 2 के आवास में शिफ्ट होना पड़ा। राजीव गांधी, इसके बाद बोफोर्स के मामले में घिरे अरुण नेहरू समेत तमाम करीबियों ने उनका साथ छोड़ा और तब कुछ करीबी लोगों ने राजीव और प्रणब मुखर्जी के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश की। राजीव को समझ में आ गया कि उन्हें कुछ पुराने परिवार के वफादारों को वापस साथ लाना होगा और इसलिए प्रणब मुखर्जी की एन चुनाव के पहले कांग्रेस में वापसी होती है। राजीव समझ चुके थे कि जिन अरुण नेहरू के उकसाने पर उन्होंने प्रणब दा को कैबिनेट और पार्टी से निकाला, वो तो खुद ही वीपी सिंह के बगलगीर बनकर राजीव और उनके परिवार पर बोफोर्स को लेकर हमला कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी का अगर आप पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखें तो ये कांग्रेस से निकाला जाना और फिर कुछ बरस के बाद कांग्रेस में लौटना, ये उनका सबसे डल पीरियड था। मैं व्यक्तिगत रूप से सियासत के स्टूडेंट के तौर पर बात करूं तो मेरे लिए ये बड़ा नुकसान का प्रकरण था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि प्रणब मुखर्जी को जब सरकारी बंगला छोड़कर अपने ग्रेटर कैलाश वाले घर में शिफ्ट होना पड़ा तो उनकी लाइब्रेरी भी वहीं शिफ्ट हुई। उनकी लाइब्रेरी में वो रोजनामचा भी था, वो सारी डायरीज थी जो प्रणब मुखर्जी रोज़ाना लिखा करते थे, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को
ऑब्जर्वेशंस को उसमें दर्ज किया करते थे। और प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया है कि एक दफ़ा पानी भरा उस ग्रेटर कैलाश के मकान के बेसमेंट में, पानी भर गया, मेरे तमाम दस्तावेज, तमाम डायरियाँ डूब गई, खराब हो गई, कई पॉलिटिकल रेफरेंस ख़त्म हो गए, इसलिए अफसोस है, और तो कोई बात क्या ही होगी। प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, नेता चले जाते हैं, उनके कारनामे, उनके वाकये, उनका सियासी सफ़र हम लोगों के सामने बांचने को रह जाता है। आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्से।